राहुल जी ने अनेकों बार कहा है और कि अमेठी उनकी कर्म भूमि है, अमेठी के लोगों का प्यार और स्नेह राहुल गांधी जी के लिए बेजोड़ है। अमेठी से उनका रिश्ता केवल एक निर्वाचित प्रतिनिधि का नहीं, परिवार के एक सदस्य का है और इसीलिए उन्होंने सदैव कहा कि वो अमेठी को कभी छोड़ नहीं सकते। उसके साथ साथ दक्षिण भारत का एक बड़ा हिस्सा, उत्तर और दक्षिण भारत का एक सांस्कृतिक और भाईचारे का रिश्ता रहा है, पर मौजूदा परिस्थिति में जिस प्रकार से अलग अलग प्रदेशों की भाषा, उनकी शैली, उनके खान पान, उनकी संस्कृति, उनके जीने का तौर तरीका, उस पर हमला किया जा रहा है मौजूदा मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, दक्षिण भारत के तीनों प्रांतों से इसलिए मांग आई कि उत्तर और दक्षिण भारत का एक सूत्र है, वो हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहे। इसलिए तीन प्रांतों ने, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से ये बार बार मांग आई कि श्री राहुल गांधी दूसरी सीट से लड़ें। तो अब अमेठी के साथ साथ राहुल गांधी जी ने यह फैसला किया, जैसा श्री एके एंटनी जी ने आपको बताया कि राहुल गांधी जी वायनाड सीट से भी लड़ेंगे। और वायनाड ही क्यों? क्योंकि वायनाड का एक अनोखा स्वरूप है, भौगोलिक और सांस्कृतिक दोनों। भौगोलिक और सांस्कृतिक तौर से तीनों प्रांतों को, दक्षिण भारत के प्रांतों को जोड़ने वाली ये बेहतरीन संसदीय क्षेत्र है, जहां एक तरफ तमिलनाडु का पूरा नीलगिरी और तेनी का इलाका आ जाता है और दूसरी तरफ कर्नाटक का मैसूर का क्षेत्र को ये सीट जोड़ती है। तो एक तरह से तीनों प्रांतों का प्रतिनिधित्व, उनकी भौगोलिक और सांस्कृतिक शैली का प्रतिनिधित्व ये वायनाड का संसदीय क्षेत्र करता है और इसीलिए पार्टी ने और श्री राहुल गांधी जी ने ये निर्णय किया कि वो एक तरह से इन तीनों प्रांतों का प्रतिनिधित्व इस सीट संसदीय क्षेत्र से लड़कर कर पाएंगे। और दक्षिण और उत्तर भारत में जिस प्रकार का एकजुटता का सूत्र है, उसे और मजबूत कर पाएंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए ये एक हर्ष का दिन है कि दूसरी सीट अमेठी के बाद वायनाड सीट से भी श्री राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे।